नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल टाउन ट्रेवलर पर। दोस्तों, जीरो बेस्ड टाइम टेबल इम्प्लीमेंट करके रेलवे ने अपने समय सारणी को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए उसने कई कड़े कदम भी उठाए हैं, जिसमें से एक कदम लिंक एक्सप्रेस और स्लिप कोच के संचालन को खत्म करना शामिल है। इससे किसी ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़ने या फिर कोच को कम करने की जरूरत नहीं रहती है। समय की बचत करने के लिए और ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए यह उपाय अपनाया गया है। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने पिछले सितंबर महीने में 9 जोड़ी ट्रेनों में यह सुविधा समाप्त कर दी है। लिंक एक्सप्रेस व स्लिप कोच में किसी स्टेशन पर 2 ट्रेनों या कुछ कोच को जोड़ने और अलग करने में काफ़ी समय लगता है। वहीं एक रूट की ट्रेन के लेट होने पर दूसरी ट्रेन को भी रोक कर रखना पड़ता है, जिससे कि दोनों को जोड़ा जा सके। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय की बर्बादी होती है और ट्रेन को समय पर चलाने में परेशानी होती है। यह तो इस लिंक प्रणाली के नुकसान हो गए। अब हम इस लिंक सिस्टम के बंद होने के कारण उत्पन्न हुए हालातों पर डिस्कस करना चाहते हैं। पूर्व में भी हमने मेरठ मंदसौर लिंक और जयपुर इंदौर लिंक के बंद होने संबंधित नुकसान व दुष्प्रभाव के बारे में आप सभी को अवगत कराया था। इसी कड़ी में हम पूरे देश में जो लिंक ट्रेन सेवाएं बंद हो चुकी हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रेल प्रशासन का लिंक गाड़ियां और स्लिप कोच बंद करने के पीछे गाड़ियों के परिचालन समय में कमी लाना यह उद्देश्य है, लेकिन इससे यात्रियों के कनेक्टिविटी का जो नुकसान हुआ है उस पर उनका ज़्यादातर ध्यान नहीं है। देश के उत्तरी भाग उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल क्षेत्र में रेल लाइनों का जाल समृद्ध है। वहां पर कनेक्टिविटी की भी कोई समस्या नहीं है तथा कमी भी नहीं है, गाड़ियां भी बहुतायात में है। लेकिन पश्चिम में गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र का पुणे कोल्हापुर इलाका, विदर्भ व मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश का राजस्थान से जुड़ा इलाका और दक्षिण में कर्नाटक और केरल, इनमें ऐसे लिंक और स्लिप कोचों की बदौलत ढेर कनेक्टिविटी रहती थी, जिसे पटरी पर लाने में अब कई पापड़ बेलने पड़ेंगे, ढेर व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। हम पहले बता चुके हैं, मंदसौर से कोटा होते हुए देहरादून एक्सप्रेस में मेरठ लिंक एक्सप्रेस के कोचेस जुड़ते थे, जो मंदसौर के यात्रियों को दिल्ली हरिद्वार से जोड़ती थी। अब उस क्षेत्र के यात्री सीधी गाड़ी के लिए बेहद परेशान है। कुछ ऐसा ही राजस्थान के सुदूर व सीमावर्ती क्षेत्र जो सैन्य एवं पर्यटन गतिविधियों के लिए जाना जाता है, बाड़मेर व जैसलमेर के भी वर्तमान में यही हालात हो चुके हैं। हावड़ा गुवाहाटी दिल्ली से बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर के लिए प्रतिदिन लिंक गाड़ियां चलती थी, जो कि मेड़ता रोड जंक्शन से अलग अलग होकर चलती थी, जिन्हें बंद करने से अब डेली कनेक्टिविटी द्विसाप्ताहिक या त्रिसाप्ताहिक के रूप में चलाई जा रही है। वर्तमान में हमारे बदलते और तेजी से विकास करने वाले देश में क्या इन रोज की कनेक्टिविटियों को खत्म करके समस्या का जो रेलवे ने समाधान किया है, क्या वह आम यात्रियों के लिए लाभदायक रहा है? बिल्कुल नहीं। रेलवे को चाहिए कि जहां जहां ऐसे लिंक एक्सप्रेस और स्लिप कोच की व्यवस्था बंद की गई है, उन स्टेशनों की फिर से समीक्षा की जाए। लिंक एक्सप्रेस चलाना संभव नहीं है तो नई गाड़ी की व्यवस्था करें या गाड़ियों को विस्तारित करें तथा उक्त संपर्क को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जाए। जहां संभव हो ब्रांच लाइनों को मुख्य जंक्शन के लिए पृथक से इंटरसिटी डेमू मेमू गाड़ियां चलाई जाएं। रेल प्रशासन ने वैसे तो गाड़ियों के लाई ओवर पीरियड यानी कि गंतव्य स्टेशन पर रेक के खाली पड़े समय की समीक्षा कर उन्हें निकटतम जंक्शनों तक बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है, फिर भी ऐसी कई गाड़ियां हैं जिन्हें अगले जंक्शन तक बढ़ाया जा सकता है। मध्य रेलवे की बात करें तो मुंबई नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस को गोंदिया तक, लोकमान्य तिलक टर्मिनस मनमाड़ गोदावरी एक्सप्रेस को भुसावल तक, निजामुद्दीन भुसावल गोंडवाना एक्सप्रेस को साईनगर शिरडी तक, काचे गुड़ा अकोला इंटरसिटी को भुसावल तक, जैन भोपाल पैसेंजर को रतलाम, जैन देहरादून ट्रेन को नीमच या रतलाम तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं ओवरनाइट और बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस को भी रतलाम तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इससे क्षेत्र में जो कनेक्टिविटियां छिन गई हैं उनको पाने में कुछ हद तक जनता को कामयाबी मिलेगी, साथ ही जो लाई ओवर पीरियड है वह काम आ जाएगा और नई ट्रेन चलाने के लिए कोई अलग रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लिंक एक्सप्रेस या स्लिप कोच बंद करवाने की समस्या का स्थायी समाधान खोजना बेहद जरूरी है। इससे ना सिर्फ यात्री परेशान हो रहे हैं बल्कि रेलवे के भी माल भाड़ा आदि राजस्व पर भी गहरा असर पड़ रहा है। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।